फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम सिंघाड़े के आटे से पूरी बनाएंगे। नवरात्रों में सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाते हैं और ये फलाहारी पूरी है और इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप सिंघाड़े का आटा लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। तीन हरी मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। आधा टीस्पून जीरा लिया है और एक टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तीन आलू लिए हैं, उबाल लिए हैं, इसको छील लिया है। आइए सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे और उसके बाद हम आटे को गूंद लेंगे। आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। देखिए आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए आलू, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होंगे तो पूरी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा सकते हैं। अब हम आटा गूंद लेंगे। आटे में डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आलू के साथ ही हमारा आटा अच्छे से गूंद जाता है, फिर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। आटा क्योंकि हमने ज़्यादा पतला नहीं गूंदना, आटा सख्त होना चाहिए। अगर लगे कि पानी इसमें डालना चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। आलू हमारे थोड़े से बच गए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए आटा हमारा गूंद चुका है, इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला, आलू से ही आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम पूरी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हाथों को तेल लगाएंगे और लोई तोड़ लेंगे। सूखे आटे की मदद से थोड़ा सा इसको फुला लेंगे। पूरी को बेल लेंगे। दूसरी तरफ हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और दो तीन पूड़ियाँ बेल के हम तैयार कर लेंगे। लोई तोड़ लेंगे। पूड़ी ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे और थोड़ा आटा लेंगे हम। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पूड़ी को बेल लेंगे। तेल को चेक करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम हम अब मीडियम कर देंगे और पूड़ी को डालेंगे। एक तरफ से सिकने देंगे पूड़ी को। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे ताकि पूड़ी हमारी अच्छे से फूल जाए। पूड़ी हमारी एक तरफ से सिक चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने देंगे। तब तक हम दूसरी पूड़ी बेल के तैयार कर लेते हैं। पूड़ी हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा साइड पे करेंगे, किनारे पे लगा लेंगे पूड़ी को, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा कढ़ाई में चला जाए। एक तरफ से सिकने देंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे पूरी को। पूरी हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ तल के तैयार कर लेंगे।
पूड़ी हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सारी पूड़ियाँ तल के हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनी हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है पूड़ी, और खाने में भी ये उतनी ही मज़ेदार है जितनी कि देखने में सॉफ्ट लग रही है। और इसे आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं व्रत में, और व्रत में आलू की सब्जी बना के उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।